हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। ये देखिए, हम 250 ग्राम पुलाव वाला चावल लिए हैं। इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर रहे हैं। ये एक पानी रखे हैं तो एक चम्मच हम आल डाल दे रहे हैं। 3 से 4 तेज पत्ता है, गोल मिर्च और छोटी इलायची डाल दे रहे हैं ताकि पानी में इसका स्वाद आ जाए। ये चावल हम धुल लिए हैं तो पानी में हम इसको डाल रहे हैं। ये देखिए, अब गैस हम तेज कर देते हैं ताकि चावल अच्छी तरीके से पके। चावल में उबाल आने लगा, इसको हम चलाते रहेंगे। बीच बीच में हम चलाते रहें, देखिए अच्छी तरीके से ये चावल पक गया है। इसको हम चेक कर ले रहे हैं। ये चावल पक गया है तो इसको हम छन्नी वाली थाली में देखिए निकाल ले रहे हैं। इस तरीके से पूरा चावल छान ले रहे हैं ताकि पानी हमारा छन जाए। ये देखिए, चावल पूरा छान लिए हैं अच्छी तरीके से। सूखा सूखा खिला खिला बना है, एक एक चावल अलग है। इसको हम फ्राई करेंगे तो पहले हम कढ़ाई रख दिए, गर्म हो रहा है। ये मूँगफली हम इसमें डाल दिए हैं। मूँगफली हम बराबर चला के भूंज ले रहे हैं अच्छी तरीके से। ये मूँगफली हम फ्राई हो गई है तो इसको निकाल लिए हैं। अमूल बटर 2 पीस हम ले रहे हैं। इसमें गोल मिर्च और जीरा 1 चम्मच, 4 से 5 गोल मिर्च हम लिए हैं। इसको बराबर चला के बारीक कटा हुआ प्याज डाल दे रहे हैं। अच्छी तरीके से ब्राउन हो रहा है प्याज हमारा। इसमें हम 3 से 4 बारीक कटा हुआ मिर्च और शिमला मिर्च दोनों डाल दिए हैं। बारीक कटा हुआ 1 टमाटर, ये गाजर बारीक घिसा हुआ है कद्दूकस में, इसको हम डाल दे रहे हैं। सभी सब्जियां देखिए चला रहे हैं अच्छे से। इसमें हम नमक डाल दे रहे हैं पहले से ताकि सब्जियां अच्छी तरीके से गल जाएं। नमक डाल के इसको देखिए सब्जी हम पका ले रहे हैं। चावल तो हमारा पहले से फ्राई है। इसमें हम काजू डाल रहे हैं। काजू बच्चों के सेहत के लिए बहुत हेल्दी होता है। और ये फ्राई हुई मूंगफली हम डाल दे रहे हैं इसमें। ये सभी चीज़ें देखें अच्छे से पक गई हैं। इसका कलर चेंज हो गया है एकदम। इसमें हम थोड़ा सा मैगी मसाला ऐड कर रहे हैं 1 चम्मच लगभग। ज़्यादा मसाला हम नहीं ऐड कर रहे हैं, बच्चे को खाने में नुकसान करता है। ये देखिए, अब हम चावल डाल रहे हैं इसमें। चावल ज़्यादा है तो चावल हम आधा ही फ्राई करेंगे, आधा हम बाद में फ्राई कर लेंगे। 1 पीस हम बटर और डाल रहे हैं इसमें ऊपर से। नमक हमने पहले से डाला हुआ था तो सभी चीज़ें अच्छे से मिला ले रहे हैं। हरी धनिया बारीक कटा हुआ ऐड कर दे रहे हैं ऊपर से। ये देखिए, खिला खिला चावल बन के हमारा रेडी हो रहा है इस तरीके से। खाने के लिए चावल हमारा तैयार है। अब हम प्लेट में निकाल दे रहे हैं इस तरीके से। देखिए, चावल बन गया है खिला खिला। इसमें स्वाद बहुत ही ज़्यादा है, अमूल बटर भी है इसमें। ये हमारा चावल बनके तैयार है। आप लोग कमेंट में बताइएगा हमारा तरीका कैसा लगा। अगर हमारा तरीका पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। सभी भाई बहनों को नमस्कार और धन्यवाद।